Hey guys, welcome back to my channel, जिसका नाम है इको मेरा दर्शी और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट। TC अभी हमने समझा था, it is sum total of TFC and TBC, तो इन दोनों को जब हम add
की वैल्यू स्वम कर दी टोटल कॉस्ट की। अब अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ये जो हमारा ग्राफ है टोटल फिक्स कॉस्ट थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, यानी अबव द ओरिजिन स्टार्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इनिशियली इंक्रीज कर, आप देखो इनके बीच का जो गैप है आप बहुत इजीली क्लियरली देख सकते हैं कि बीच का गैप कम होता जा रहा है, से 8 का गैप है, 8 से 14 6 का गैप है, 14 से 18 4 का गैप है, वैल्यूज इंक्रीज हो रही है लेकिन इनके बीच का गैप कम हो रहा है। तो ग्राफ की जो शेप है वो कैसी आएगी, अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स, यानी कि आउटवर्ड शेप होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं 18 के बाद जो गैप है वो क्या होता जा रहा है, गैप इज इंक्रीजिंग। तो अब ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही है और इनके बीच का गैप भी इंक्रीज हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो ये कैसा शेप आ जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्केव इनवर्ड इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल कॉस्ट जो है इट इज सम टोटल ऑफ टीएफसी एंड टीपीसी। तो अब जो टीएफसी की टोटल कॉस्ट है वो कितने से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट है, यानी कि एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीएफसी और टोटल कॉस्ट दोनों क्या है, सेम है। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट के पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब आप देखोगे यहाँ पर भी 10 और 8 में 8 का गैप है, फिर 6 का और फिर 4 का, यानी इनिशियल लेवल पर वैल्यूज इंक्रीजेस एट व्हिच रेट, इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, तो इट विल फॉर्म एन अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स कर्व। और उसके बाद इनके बीच का गैप टीसी की वैल्यूज के बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है, सो इट विल बी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। तो इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया बिहेवियर ऑफ टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट रन। अब चलते हैं इसी का सेकंड पार्ट जो कि है बिहेवियर ऑफ एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट रन। तो हमें बिहेवियर ऑफ एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट रन, एवरेज कॉस्ट भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब है पर यूनिट एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इट रेफर्स टू द पर यूनिट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एएफसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला हो जाएगा टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एएफसी प्लस एबीसी। अब चलते हैं अपने शेड्यूल की तरफ। शेड्यूल में हमने टीएफसी टीबीसी टीसी और एनसी सीख लिया है, हमारे सिर्फ तीन चीजें सिर्फ समझनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, टीएफसी अपॉन क्यू करके सारी वैल्यूज आ जाएंगी, एबीसी टीबीसी अपॉन क्यू करके सारी वैल्यूज आ जाएंगी, एवरेज कॉस्ट इज या तो आप एएफसी प्लस एबीसी कर लीजिए या फिर आप टीसी अपॉन क्यू कर लीजिए, आपकी वैल्यूज सेम आएंगी। तो ये हमारा ही शेड्यूल है। अब इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारे को क्या समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राफ। अब इस ग्राफ को समझने के लिए हमारे को एक चीज समझनी है जो क्या है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा थ्रू आउट फॉल हो रहा है लेकिन ना तो जीरो हो रहा है ना नेगेटिव हो रहा है। तो एएफसी स्लोप्स डाउनवर्ड थ्रू आउट, नीदर बिकम जीरो नॉर नेगेटिव, ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं इट इज एसिम्प्टोटिक इन नेचर। एसिम्प्टोटिक का मतलब ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप है जो ना तो कभी जीरो होगी और ना कभी नेगेटिव होगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखें तो एक लिमिट तक ये फॉल हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ पर फॉल हो रहा है और उसके बाद ये क्या होने लग गया, इंक्रीज। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली फॉल्स बिकम्स मिनिमम एंड देन इंक्रीजेस। अब ये यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट से इंटरसेक्ट करेगा, क्यों आप देख सकते हैं यहाँ पर एएफसी इज इक्वल्स टू
variable cost will intersect at a certain point with average variable cost, continues to fall and then it will increase. Average cost जो है वो fall हो रहा है, आप देख सकते हैं ये fall हो रहा है कौन से output तक, fifth output तक, और average variable cost कौन से output तक fall हो रहा था, fourth output तक. So average variable cost will fall even beyond the point of average variable cost और उसके बाद वो increase होगा. जब आप इस तरीके से अपना graph form करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इनके बीच का gap अपने आप कम हो गया, average variable cost और average cost के बीच का gap. अब average cost जब आप start करेंगे fall करना, तो इसके point के बाद तक आपको उसे fall करना है. जैसे ही आप इसको increase करना उसके बाद शुरू करेंगे, आपको अपने आप ही इनके बीच का gap अपने आप ही को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अब बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि when average variable cost and average cost, the gap between them is reducing, why aren't they intersecting with each other? ऐसा क्यों नहीं है कि दोनों एक दूसरे से intersect कर रहे हैं? Because आप यहाँ देखो average fixed cost के ऊपर zero हो रहा है, नहीं. So because average fixed cost can never become equal to zero and average cost is sum total of AFC and ABC, तो इस वजह से ABC और AC कभी भी एक दूसरे से intersect नहीं होंगे. उम्मीद करती हूँ कि आपको देसी नुस्खा टू पूरा ढंग से क्लियर हो गया होगा. आप चलते हैं अपने देसी नुस्खा थ्री की तरफ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी, एसी एंड एमसी. सो अब है हमारा लास्ट पार्ट जो कि है मार्जिनल कॉस्ट का. मार्जिनल कॉस्ट का एक यू शेप्ड कर्व होता है जो इनिशियली फॉल होता है, मिनिमम होता है, उसके बाद क्या हो जाती है वैल्यूज उसकी, इंक्रीज. तो ग्राफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज. अब एक क्वेश्चन बहुत जनरली पूछा जाता है, व्हाई एबीसी एसी एंड एमसी आर यू शेप्ड कर्व्स. ये यू शेप होते हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ मतलब कीपिंग ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट. अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सिंपल स्टेट करता है कीपिंग ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट, व्हेन वी चेंज ओनली वन फैक्टर, इनिशियली एबीसी एसी एंड एमसी इनिशियली फॉल्स एंड देन स्टार्ट्स राइजिंग. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ये क्वेश्चन जनरली 3 मार्क का आता है, जिसमें आप ग्राफ के साथ इसको शो करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन एबीसी एसी एंड एमसी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम. अब यहां पर आप देखेंगे, आप एबीसी का ग्राफ सबसे पहले फॉर्म करोगे. एबीसी का मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद एबीसी इंक्रीज होने लग गया, फिर एवरेज कॉस्ट फॉल होगा, इसका मिनिमम पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बाद आएगा और उसके बाद ये भी इंक्रीज करने लगेगा. मार्जिनल कॉस्ट फॉल होकर इंक्रीज करेगा और इनके मिनिमम पॉइंट्स को टच करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा. तो रिलेशनशिप क्या बताता है, व्हेन एमसी फॉल्स, जब ये ग्रीन लाइन फॉल हो रही है तो आप देखेंगे ये ग्रीन लाइन ब्लू और रेड लाइन के नीचे है. तो व्हेन एमसी फॉल्स इट इज लेस देन एबीसी एंड एसी. व्हेन एमसी इंक्रीजेस, इंक्रीज होते होते ग्रीन लाइन ब्लू और रेड लाइन के ऊपर निकल गई, इट मींस दैट एमसी राइजेस, इट बिकम्स ग्रेटर देन एबीसी एंड एसी. नेक्स्ट MC intersects at the minimum points of ABC and AC, और last MC जो है ये इसका minimum point है और ये इन दोनों के पहले ही increase होने लग गया. So MC starts rising before ABC and AC. तो ये हमने complete कर दिया अपना chapter cost. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला chapter बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कोई doubt है या कोई भी question है तो आप comment box में डाल सकते हैं. इसके साथ खत्म करते हैं ये वाला चैप्टर. अगली बार और अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगी आपके लिए, और सारे के सारे चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक एक चीज को हम ध्यान से समझेंगे. तो मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को और लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए. फ्री ऑफ कॉस्ट ये चैनल आपको देगा फुल मार्क्स लाने की गारंटी.